लावा ने अपनी लावा ब्लेज प्रो 5G स्मार्टफोन को फाइनली लॉन्च कर दिया इंडिया के अंदर। और आज मैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के अनबॉक्सिंग के साथ ही एक इसका छोटा सा रिव्यू आपको देने वाला हूं, क्योंकि काफी सारे मेरे फ्रेंड्स के पास ऑलरेडी ये स्मार्टफोन आ चुका है और उन्हीं की हेल्प से दोस्तों मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस स्मार्टफोन के बारे में सारी चीजें पता चल जाएं और आपको ये होश के कि मतलब आपको ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए या नहीं। तो सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए अभी स्मार्टफोन की सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग देख लेते हैं और बॉक्स की बात करो दोस्तों कुछ इस प्रकार का हमें ब्लैक बॉक्स है दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ आप देखोगे तो 8+8 GB की रैम देखने जाएगी, 128 GB की रोम देखने को मिलेगी। पीछे की तरफ यहाँ पर ऑलरेडी कुछ फीचर हैं जो मेंशन किए गए हैं। बॉक्स को ओपन करते हैं और बॉक्स को ओपन करते ही ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल जाता है एक व्हाइट बॉक्स जिसके अंदर एक सिलिकॉन बैकवर देखने को मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी हमें ओके ही देखने मिलती है। नीचे की तरफ है हमारा स्मार्टफोन और स्मार्टफोन के नीचे अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर एक चार्जर देखने को जाता है जो कि टाइप सी की केबल के साथ देखने जाता है। और अगर मैं इस चार्जर की बात करूँ तो 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर देखने में जाता है एंड एक सिम इजेक्टर टूल देखने में जाता है। तो ये कुछ बॉक्स कंटेंट है दोस्तों जो कि हमें स्मार्टफोन के बॉक्स के अंदर देखने में जाता है। तो ये एक छोटी अनबॉक्सिंग थी, तो अभी हम चलिए चल पड़ते हैं स्मार्टफोन की तरफ और आपको बताते हैं कि कैसा है स्मार्टफोन और क्या आपको इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहिए या नहीं। देखो खरीदने की बात आ गई है, सबसे पहले मैं इसके प्राइसिंग की बात कर लेता हूँ क्योंकि काफी सारे दोस्तों को अभी तक नहीं पता कि किस प्राइसिंग में स्मार्टफोन आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं जो ये स्मार्टफोन है ये आपको अंडर 15,000 देखने में जाएगा, अप्रोक्स 13,000 के आसपास जो स्मार्टफोन की स्टार्टिंग प्राइस है। और इस स्मार्टफोन की अगर मैं टक्कर की बात करूँ तो सीधी सीधी टक्कर है रेडमी के 12 5G से, रियलमी के भी कुछ स्मार्टफोन यहाँ पर आ सकते हैं। और मैं कहूँगा कि एक चीज़ मैं पहले ही बता दूँ कि इतना कह सकते हैं लावा ने अब की बार यार काफ़ी तगड़ा स्मार्टफोन निकाला है और रियली में इस प्राइसिंग में टक्कर भी देने वाला है काफ़ी सारे ब्रांड को। तो चलिए अभी देखते हैं कि कैसे ये टक्कर देगा, क्यों टक्कर देगा, सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक छोटी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, हमारे चैनल पर रेडमी नोट 13 प्रो का गिवअवे चल रहा है, अगर आपने उसमें अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया तो कर लो यार, कुछ इस प्रकार का थंबनेल देखने को मिल जाएगा, हमारे चैनल पर जाओगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी और जाकर उसमें जल्दी से एंट्री कर लो। तो चलिए अभी हम बात करते हैं लावा ब्लेज प्रो स्मार्टफोन की और इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बातें करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसके रियर साइड के डिजाइन की बात करूं तो इस प्रकार का डिजाइन देखने में आएगा और सच बताना यार आपको इस डिजाइन को देखकर कुछ जाना पहचाना नहीं लगा। जी दोस्तों मुझे देखो पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे वीवो T2X5G जैसा थोड़ा डिजाइन लगा, आपको कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। प्लास्टिक बैग देखने में जाता है, फ्रेम की बात को तो वो भी प्लास्टिक का देखने में जाता है, साइड में फिंगरप्रिंट देखने को जाता है पावर बटन के अंदर ही। और यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने में जाता है सिंगल स्पीकर टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट है, 3.5 mm जैक। सिम ट्रे की बात को तो यहाँ पर देख सकते हो आप, तीन चीजें यहाँ पर यूज कर सकते हो, यानी दोनों सिम कार्ड भी और यहाँ पर SD कार्ड भी, तीनों ही चीजें एक साथ आप यहाँ पर यूज कर सकते हो जो कि काफी अच्छी बात है। और यहाँ पर जो सिम ट्रे है वो भी आपको प्लास्टिक ही देखने जाती है, यानी ओवरऑल जो इस स्मार्टफोन में प्लास्टिक का काफी ज्यादा यूज हुआ है। तो ये था इसका बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार के देखने जाता है, बाकी स्मार्टफोन है मतलब हल्का टाइप का देखने जाता है, इतना कुछ हैवी स्मार्टफोन देखने नहीं मिलता। और प्राइसिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो अच्छी बिल्ड क्वालिटी हमें देखने जाती है, ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते यार, 13,000 के हिसाब से अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने जाती है। फ्रंट साइड में आता हूं तो दोस्तों यहां पर हमें देखने जाती है सिंगल पंच होल डिस्प्ले जो कि फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश के साथ देखने में जाती है। और अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर पंच होल डिस्प्ले है, अच्छी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम पर भी काफी सारे ऐसे ब्रांड हैं जो कि ड्यू ड्रॉप नोच वाली डिस्प्लेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। और यहाँ पर पंच होल के साथ दोस्तों जो क्वालिटी है वो भी यहाँ पर हमें अच्छी खासी देखने को मिल जाती है डिस्प्ले के अंदर, बैजेस हैं अच्छे खासे कम देखने को मिल जाते हैं और व्यूज एंगल है स्मार्टफोन के वो भी काफी अच्छे रहते हैं, यानी कलर्स वगैरह की बात को तो काफी अच्छी देखने में जाती है। और अगर आप आउटडोर में भी इसको लेकर जाते हो तो आपको डिस्प्ले में कोई भी इशू देखने नहीं मिलता, यानी मैं कुल मिलाकर कह सकता हूँ यार डिस्प्ले के मामले में स्मार्टफोन काफी अच्छा। और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है हालांकि, लेकिन जो उसकी एक्यूरेसी है या मैं फास्ट की बात हूं तो काफी अच्छी तरह से फास्टली वर्क करता है। और यहां पर आप अच्छी तरह से कंटेंट को एंजॉय कर पाओगे। जो स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी है मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल ही लाउड है, लेकिन अच्छी जो है आपको स्पीकर्स की क्वालिटी देखने जाती है, यानी ओवरऑल लुक एंड डिजाइन के मामले में स्मार्टफोन की बात को देखो यार मुझे तो पर्सनली स्मार्टफोन काफी अच्छा लगा। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है तो इसकी वजह से जो डिस्प्ले है आपको काफी अच्छी खासी स्मूथ देखने जाती है। भाई मैं अगर 13,000 के हिसाब से बात करूं ना तो परफेक्ट डिस्प्ले एंड डिजाइन हम स्मार्टफोन को कह सकते हैं। अभी बात करते हैं कैमरा के मामले में और यहां पर कैमरा में भी काफी कुछ चीजें इंप्लीमेंट की हैं लावा ने। तो मतलब यार अभी के टाइम पर सच बताऊं ना ऐसा लग रहा है कि हाँ लावा टाइम टू टाइम अपने आप को चेंज कर रहा है और एक अच्छे कंपटीशन के रूप में मार्केट में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 50+2 का रियर कैमरा देखने जाता है। आपको रियर साइड में देखकर ऐसा लगेगा कि ट्रिपल रियर कैमरा नहीं, आपको ड्यूल रियर कैमरा ही देखने जाता है। और सच बताऊं तो EIS जैसे फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं।
जी दोस्तों EIS जैसे फीचर यहाँ पर दिए लावा ने। 2K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और प्रियर कैमरा से अच्छी खासी कैमरा क्वालिटी देखने मिल जाती है, वीडियो क्वालिटी है वो भी आपको अच्छी खासी देखने मिल जाती है। लेकिन अगर मैं फ्रंट कैमरा की बात करूँ, आई मीन सेल्फी कैमरा की बात करूँ, वो डिसेंटली देखने मिल जाता है। 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर कैमरा देखने मिल जाता है फ्रंट साइड का। तो जितना हमें अच्छा रियर साइड का कैमरा देखने मिलता है ना, उतना अच्छा हमें फ्रंट साइड का कैमरा देखने नहीं मिलता, वो डिसेंटली देखने मिल जाता है। आपको पता चलेगा इसकी कैमरा क्वालिटी जानकर। मैं आपको इसके कुछ रियर कैमरा के कुछ कैमरा सैंपल्स यहाँ पर दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पर हमें कैमरा कैसा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप कुछ कैमरा सैंपल्स देख सकते हो स्मार्टफोन के। मेरे हिसाब से रियर कैमरा में भाई कोई भी दिक्कत नहीं है, लो लाइट डे लाइट दोनों ही कंडीशन में प्राइजिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी इमेजेस यहाँ पर देता है। भाई ये मत एक्सपेक्ट करना कि आपने 30-35 हज़ार की स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी देखी है, सेम वैसी कैमरा क्वालिटी दे, नहीं ऐसा नहीं होगा। 13 हज़ार के हिसाब से, 15 हज़ार के हिसाब से कैमरा क्वालिटी रियर कैमरा की यहाँ पर हमें अच्छी देखने को मिल जाती है। अभी चल पड़ते हैं दोस्तों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की तरफ। और परफॉर्मेंस की बात को तो यहाँ पर कुछ जाना पहचाना आपको चिपसेट देख मिलेगा, मीडियाटेक का Dimensity 6020 चिपसेट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि इतने ज़्यादा पावरफुल स्मार्टफोन्स में, मतलब आई मीन चिपसेट्स में से तो नहीं आता है। लेकिन आपको जो गेमिंग करोगे ना, आप पबजी खेलोगे, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलोगे, तो इन सब गेम्स को खेलने के लिए काफ़ी सफिशियंट है और प्राइसिंग के हिसाब से आपको काफ़ी अच्छी खासी परफॉर्मेंस यहाँ पर प्रोवाइड करवा देता है। आपको गेमिंग में कोई इशू नहीं होगा। हाँ, हालांकि आप हैवी ग्राफिक्स पर यहाँ पर नहीं खेल सकते। हैवी ग्राफिक्स आई मीन भाई अल्ट्रा स्मूथ या भाई ज़्यादा हैवी ग्राफिक्स की तरफ नहीं जा सकते, वहाँ पर हो सकता है अगर आप चली भी गई तो थोड़ी देर बाद आपको लैगिंग जैसे इशूज आ जाए। लेकिन अगर आप मीडियम ग्राफिक्स पर खेलते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी गेम में। हाँ, इतना पक्का भी आप हैवी गेम से यहाँ पर इजीली प्ले कर सकते हो, आपको कोई ज़्यादा बड़ा ऐसा इशू नहीं आएगा। जैसे कि स्प्रेजिंग वाले ज़्यादातर स्मार्टफोन में आपने देखा होगा कि ज़्यादा हैवी गेम्स की तरफ हम नहीं जाते, अगर हम जाते हैं तो भाई आपको स्मार्टफोन में हीटिंग जैसे लैगिंग जैसे इशूज देखने मिलते हैं। लेकिन वो सब चीज़ें हैं आपको यहाँ पर काफ़ी कम देखने मिलेंगी, और मिलेंगी भी तो आपको थोड़ा, अगर आप खेलने लग गए तो भाई आपको 1-2 मैच हो गए, उसके 2 मैच हो गए, उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेंगी, स्टार्टिंग में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट में पहले अगर मैं बैटरी बात करूँ, 5000 mAh की बैटरी है, 33 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। और भाई सच बताऊँ तो इस प्राइसिंग वाले स्मार्टफोन के लिए बैटरी की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इस प्राइसिंग वाले जो स्मार्टफोन हम बैटरी के मामले में काफ़ी तगड़े होते हैं और काफ़ी कुछ अच्छा हमें प्रोवाइड कराते हैं। तो ओवरऑल भाई बैटरी के मामले में स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा देखने जाता है। तो ये थी दोस्तों सारी चीज़ें लावा ब्लेज प्रो 5 स्मार्टफोन के बारे में जो कि मैंने आपको बताई। मैंने थोड़ा अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करने की कोशिश की, जितनी कुछ मुझे न्यूज़ मिली थी अपने दोस्तों से वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि कैसा है स्मार्टफोन। देखो 13 हज़ार के अंदर ये स्मार्टफोन आ जाता है, और 13 हज़ार के हिसाब से सच बताऊँ काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है और काफ़ी अच्छा तगड़ा कंपटीशन देने वाला स्मार्टफोन है। हाँ, हालांकि लावा की अभी इतनी ब्रांड वैल्यू नहीं बनी है इंडिया के अंदर, पहले थी लेकिन अभी जो है लोगों का इतना ट्रस्ट नहीं है, तो ट्रस्ट इशू की वजह से थोड़ा बहुत इस स्मार्टफोन को नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर मैं फीचर्स वाइज बात करूँ, क्वालिटी वाइज बात करूँ, अब की बार लावा ने यहाँ पर कोई भी कमी नहीं छोड़ी है और हमें काफ़ी अच्छा खासा जो है स्मार्टफोन यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया है। तो कैसा लगा आपको स्मार्टफोन आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैन दोस्तों।